अस्सलाम वालेकुम। फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का रोल क्या है और कैसे प्ले हो रहा है ये आज हम देखेंगे। फोटोसिंथेसिस हम जानते हैं एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। सो कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है? लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी का सोर्स क्या है? सन है। सो वी कैन से दैट सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? सन है। और सन से एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है दुनिया के ऊपर? लाइट की फॉर्म में आ रही है, राइट। तो लाइट की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, क्वालिटीज़ देख लेते हैं कि लाइट क्या है। लाइट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट एक काइंड है, एक टाइप है एनर्जी की जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव्स होती हैं विच आर क्रिएटेड बाय द वाइब्रेशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेशन के नतीजे में जो वेव्स बनती हैं उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। और ये जो वेव्स होती हैं इनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है, वेरी करती है, वेवलेंथ वेरिएट करती हैं फॉर डिफरेंट वेव्स। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द क्रिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सपोज वी हैव हेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो वेव इस तरीके से ट्रेवल करती है। तो वेव की जो अपर पीक होती है उसे क्रिस्ट बोलते हैं और जो लोअर पीक होती है उसे ट्रफ बोलते हैं। सो ये क्रिस्ट, दो क्रिस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ना उसे वेवलेंथ बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक क्रिस्ट है, ये दूसरी क्रिस्ट है। तो इन दो के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसे क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। यहाँ मैं लैम्डा से शो कर रहा हूँ। सो वेवलेंथ हम बोलते हैं डिफरेंट होती है। यहाँ पर देखिए वेवलेंथ बहुत छोटी है, जैसे जैसे आप आगे आ रहे हैं वेवलेंथ बड़ी हो रही है। तो वेवलेंथ जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो वेरिएट होती है, डिफरेंट होती है। सो वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम लेस देन अ नैनोमीटर गैमा रेज टू मोर देन अ किलोमीटर रेडियो है। हमने कहा वेवलेंथ जो है डिफरेंट होती है, यानी वेवलेंथ की रेंजेस क्या होती हैं? गैमा रेज से वेवलेंथ स्टार्ट होती हैं और अप टू रेडियो वेव्स तक जाती हैं। और गैमा रेज की जो वेवलेंथ है वो नैनोमीटर से भी शार्ट होती है, बहुत छोटी होती है वो वेवलेंथ। जबकि अगर रेडियो वेव की बात करें तो उसकी रेंज जो है, उसका डिस्टेंस जो है, वेवलेंथ जो है वो किलोमीटर के हिसाब से होती है। इसलिए हम देखते हैं कि अमेरिका से कोई ट्रांसमिशन, रेडियो ट्रांसमिशन जा रही है, तो यहाँ पर अगर आपके पास अच्छा रेडियो है तो आप वहाँ से अमेरिकन ट्रांसमिशन सुन सकते हैं, क्योंकि रेडियो वेव जो हैं वो बहुत, उनकी वेवलेंथ बड़ी होती है और वो जितने ऑब्स्टिकल्स, पहाड़ वगैरह रास्ते में आते हैं उनको कूद कर आप तक पहुँच जाती हैं। जबकि गैमा रेज बहुत शार्टर होती हैं, उनके रास्ते में कोई भी पार्टिकल होगा वो उसमें पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे, इंटर होने की कोशिश करेंगे, उसे फ्लांग कर नहीं जाएंगी, वेवलेंथ बहुत कम है। एनीवे, ये जो इंटायर रेंज है रेडिएशन की, गैमा रेज से लेकर रेडियो वेव तक, इस रेंज की रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम निकला है, स्पेक्ट्रम ऐसे स्केल को बोलते हैं जिस पर आप किसी चीज़ की पोजीशन मालूम कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जिस पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पोजीशन का पता चले, उसकी वेवलेंथ का पता चले, उनकी फ्रीक्वेंसी का पता चले, एनर्जी का पता चले। सो हेयर वी हैव अ स्केल जिस पर हमें डिफरेंट वेवलेंथ की जो एनर्जी, डिफरेंट जो वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ, एनर्जी, उसका अंदाज़ा हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप देखें इस साइड, लेफ़्ट साइड पर जो है वेवलेंथ जो है वो शार्टर है, और वेवलेंथ जब शार्टर होगी तो एनर्जी हायर होगी। वी हैव अ फार्मूला, एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जितनी वेवलेंथ कम होगी एनर्जी हाई होगी, जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी एनर्जी कम होगी, इन्वर्स रिलेशन है। सो लेफ़्ट साइड जहाँ पर हमारे पास सबसे कम वेवलेंथ है तो एनर्जी इन वेव्स की हाई होगी। राइट साइड पर आप देखें यहाँ पर रेडियो वेव्स हैं, इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो इनकी एनर्जी बहुत लो होती है। ओके, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे यूज़ करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखा जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहा जाता है। ये आपने MCQs के लिए याद रखना है। सो हेयर वी हैव अ स्केल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे शॉर्टर वेवलेंथ की जो रेज है उन्हें गैमा रेज कहते हैं, उससे लार्जर वेवलेंथ वाली एक्स रेज, फिर लार्जर अल्ट्रावायलेट रेज, देन यू हैव हेयर अ रेड रीजन, इसे देखते हैं क्या है, फिर थोड़ी और बड़ी वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स, फिर रेडियो वेव्स। इस तरीके से वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे पीछे जा रहे हैं वेवलेंथ कम हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। हियर वी हैव अ वेरी शॉर्ट रीजन, बहुत शॉर्ट सा सेगमेंट है, और इस सेगमेंट को विजिबल लाइट और विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। और यही जो स्पेक्ट्रम है ये इम्पॉर्टेंट है ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। दुनिया के ऊपर जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है इसी स्पेक्ट्रम की बेस पर एग्जिस्ट कर रही है। और क्योंकि ये स्पेक्ट्रम जो है ड्राइव करता है फोटोसिंथेसिस को। इस स्पेक्ट्रम से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। और ये स्पेक्ट्रम इसकी जो रेंज है वेवलेंथ की वो है 380 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। द सेगमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लाइफ, ये सेगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। और इसे हम विजिबल लाइट कहते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्यों विजिबल बोलते हैं? इट इज़ डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। ये हमारी अर्थ के ऊपर जो सन से लाइट आ रही है जो हमें नज़र आती है, ये क्या है? विजिबल स्पेक्ट्रम है लाइट का। और इसे हम देख सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं अपनी आंख से। और यही वो लाइट का स्पेक्ट्रम है जो ऑल टाइप ऑफ लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी लाइट के स्पेक्ट्रम को, इसी लाइट की एनर्जी को प्लांट यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। लाइट के हमने पढ़ा था कि दो नेचर होती हैं, एक लाइट की वेव नेचर होती है जो हमने पढ़ा, और दूसरी नेचर पार्टिकल नेचर होती है। सो लाइट आल्सो एक्ट एज अ बीम ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कॉल्ड फोटॉन्स। सो जो लाइट की पार्टिकल नेचर होती है उन्हें फोटान कहा जाता है। जो पार्टिकल्स होते हैं लाइट के उन्हें फोटान कहा जाता है। पार्टिकल नेचर से मुराद ये है कि सपोज दिस इज़ फोटान पार्टिकल, तो इस तरीके से ये स्ट्रेट पाथ में एज अ पार्टिकल ट्रेवल करेगा। जैसे आप कोई बाल फेंकते हैं तो वो ट्रेवल वेव की फॉर्म में तो नहीं कर रही होती ना। सो इसी तरीके से लाइट जो है पार्टिकल नेचर में भी ट्रेवल करती है और उस पार्टिकल को फोटान कहा जाता है। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये हम देख चुके हैं। सो शॉर्टर द वेवलेंथ द ग्रेटर द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन ऑफ दैट लाइट। जितनी वेवलेंथ कम होती जाएगी उतनी उस वेवलेंथ का जो फोटॉन इमिट होगा, सपोज यहाँ से जो इस वेवलेंथ का जो फोटॉन इमिट होगा उसकी एनर्जी क्या है? हायर होगी एज़ कम्पेयर टू यहाँ से जो फोटॉन इमिट हो रहा होगा। ठीक है। सो ये फोटॉन की हमने बात क्यों की? क्योंकि लाइट की जो पार्टिकल नेचर है वो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस को डिराइव कर रही होती है, चला रही होती है फोटोसिंथेसिस को। ये पार्टिकल जाके फोटो सिस्टम पर हिट करते हैं और वहाँ से क्लोरोप्लास्ट के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं। और ये सारा फिनोमेना हम अभी आगे लाइट रिएक्शन में देखने वाले हैं। यहाँ पर एक और चीज़ डिस्कस कर देते हैं। ऑल्दो सन रेडिएट फुल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हम जानते हैं कि सन जो है वो फुल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट कर रहा होता है। यानी जो लाइट सन से जो लाइट आ रही होती है उसमें गैमा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट, सारे स्पेक्ट्रम प्रेजेंट होते हैं। बट एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक अ सेलेक्टिव विंडो अलाउइंग विजिबल लाइट टू पास ए वाइल स्क्रीनिंग आउट अदर रेडिएशन। लेकिन हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एज अ सेलेक्टिव विंडो का रोल प्ले करता है, यानी कुछ लाइट की वेव्स को पास होने देता है और कुछ को रिफ्लेक्ट करता है। और ये कौन सी लाइट वेव को पास होने देता है? विजिबल लाइट को ये एटमॉस्फेयर में एंटर होने देता है। सपोज एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर की अगर हम बात करें तो ओजोन लेयर एज अ सेलेक्टिव विंडो का रोल प्ले करती है। ये क्या करती है? हाइयर एनर्जी की जो वेव लेंथ है उन्हें रिफ्लेक्ट कर देती है बैक अप इनटू हायर एटमॉस्फेयर, वहाँ पर बैक कर देती है। उन्हें अपनी अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है वो वहाँ इंटर नहीं होने देती। और जहाँ पर इंटर किसे होने देती है? विजिबल लाइट को, जो कि एटमॉस्फेयर में इंटर होगी। इसलिए हम कहते हैं कि ओजोन डिप्लीशन से क्या होगा, ये जो अगर हुई भी है तो यहाँ पर शिगाव पड़ चुका है, तो अल्ट्रावायलेट रेज एंटर होंगी, गैमा रेज एंटर होंगी। तो वो जब हमारी स्किन के साथ टच होंगी, हमारी स्किन में पेनिट्रेट करेंगी तो सेल्स के DNA को डैमेज करेंगी, कैंसर काज करेंगे। इसलिए जो ओजोन लेयर है ये बहुत यूजफुल है फॉर रिफ्लेक्टिंग बैक द हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन। सो हम देख पा रहे हैं कि सन से सारी रेडिएशन आ रही हैं, लेकिन ये वाली जो रेडिएशन है ये ही दुनिया तक मोस्टली पहुंच रही है। बाकी भी थोड़ी बहुत आती हैं, लेकिन मोस्टली ये वाली रेडिएशन अर्थ के ऊपर आती हैं। और इन रेडिएशंस को प्लांट यूज़ करके फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं। अब प्लांट इन रेडिएशन को कैसे यूज़ करते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।